क्या बालभोग समिति में क्या भोजन की व्यवस्था की भर्ती में आने वाले लोगों को? विगत दो वर्षों से बालभोग समिति के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1000 से लेकर 1200-1300 व्यक्तियों को भोजन दिया जा रहा है और ये भोजन नाम मात्र के शुल्क में दिया जाता है। आज के जमाने के अंदर महंगाई को देखते हुए पिछली बार साल 10 रुपए के अंदर भोजन किया जाता था, परंतु गैस बहुत महंगा है, बाकी सामान बहुत महंगे, सिर्फ 20 रुपए के अंदर कभी पूड़ी, सादी पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, अच्छा पेटिस, चना मसाला, ये आइटम रोटेशन के अंदर चेंज होते हैं। इसमें आपको प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला क्या? प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, ना कोई गैस के टंकी के लिए, ना प्रशासन के लिए, यहाँ पर लाइन को मेंटेन करने के लिए, ये जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अभी तक हमें कोई व्यवस्था नहीं है। क्या भीड़ वगैरह बढ़ जाती है तो पुलिस की भी व्यवस्था बता रहे हैं? पुलिस की व्यवस्था की हमें जरूरत पड़ती है, परंतु हमारे पास में आज एक जवान आया, हमने एजीएम को दो बार फोन लगाया, विक्रय जी को फोन लगाया, उसके बाद आए। चार दिनों से आप लोगों ने व्यवस्था समझ ली, उसके बावजूद आपको प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं। अच्छा, इसके पहले जो बैठक हुई थी आपके प्रशासन के साथ, तब क्या बोला था प्रशासन ने आपको? ने बोला था हम जवान भेज देंगे, और हमने टंकी का बोला उनको, जो सब्सिडी वाली टंकी था, तो हम रिसायत बोल पे, तो उनने बोला नहीं नहीं मिलेगी, हम किसी को नहीं देते हैं, आपको टंकी चाहिए 1,000-1,300 रुपये की मिलेगी। फिर हमने बाजार से और उपभोक्ताओं से टंकी 800-850। इन सारी व्यवस्था में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा? हमको करीब 10 रुपये रोज का नुकसान हो रहा है, इसमें हमको 20,000 रुपये रोज का नुकसान जा रहा है। 20,000 रुपये रोज का नुकसान, तो इसको आप लोग कैसे वहन करेंगे? सारी हमारी बालभोग समिति वाले हैं हमारे 18 सदस्य, उनसे हम 2,000-4,000-5,000 रुपये लेके हमारी व्यवस्था सुधारेंगे।